वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनम। दोस्तों मुझे ना माइकल वॉन का चेहरा आज देखने का है यार। वो पोपट राम पिच को ब्लेम कर रहा था। अरे पोपट राम, पहले तेरे इंग्लैंड बैट्समैन को बैटिंग सिखा यार, लेकिन तू क्या सिखाएगा तेरे को? खुद को तो बैट पकड़ने नहीं आता था, तू तो हैंडलिंग द बॉल करता था वहां पर। खैर एनीवेज दोस्तों, आज तो लास्ट राइड्स लेना था और वो तो ले लिया, वो तो कर दिया और बहुत जल्दी लास्ट राइड्स खत्म कर दिया यार, पूरे इंग्लैंड को डेसिमेट करके यार। एंड स्टार ऑफ द डे वाज अक्षर पटेल मेकिंग इट काउंट विद हिज बॉलिंग। कुलदीप आल्सो कमिंग गुड गेटिंग 2 विकेट्स एंड अश्विन ऑफ कोर्स देयर विद 3 विकेट्स, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। मुझे लगा नहीं इंग्लैंड इतना जल्दी फोल्ड होगा, लेकिन इंग्लैंड हैड नो क्लू टू द स्पिनिंग डिलीवरीज ऑफ अक्षर पटेल यार। सुपर्ब ऑल राउंड डिस्प्ले बाय इंडिया, दिस इज द न्यू टीम इंडिया। कोई ना कोई किधर ना किधर तो हाथ ऊपर करके दे विल कम अप विद दैट विनिंग मैच विनिंग परफॉर्मेंस, एंड दैट इज व्हाट अश्विन भाई डिड। और जैसे मेरे एक व्यूअर ने लिखा था, वो माइकल को साइकिल पे घुमाएगा अपना अश्विन भाई, और घुमाया पूरा चेन्नई, और अभी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस ताली बजाओ इंडियन टीम के लिए, क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू विन दिस सीरीज हैंड्स डाउन। अभी तो कोई चांस ही नहीं है यार इंग्लैंड का, खत्म इंग्लैंड। स्टोक्स हो, ये हो, वो हो, अभी अगले मैच में आर्चर और को क्या है एंडरसन, इन लोग भी आ जाएगा, बट गॉन, अब तो गॉन केस है। इंग्लैंड तो टिकट कटवा ले बेटा वापस इंग्लैंड के लिए, वही बेस्ट होगा तुम लोग के लिए यार, नहीं तो इसमें तो हारना ही है। फिर उसके बाद हम आएंगे उधर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो धमाकेदार मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड इज अ सुपर्ब टीम, वेरी वेल बिहेव टीम एंड अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव टीम। बट एनीवेज आज का मैच तो इंडिया के नाम होना ही था, बहुत जल्दी हो गया, अभी बाकी का टाइम एंजॉय करो यार। चलो दोस्तों, आपको क्या लगता है आज के मैच के बारे में लिखकर बताना। फॉर द मोमेंट इट्स टाइम फॉर मी टू से टाटा।